और बच्चे कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग वेव का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में आप हम लोग क्या कर रहे थे आपस में? तो हम लोग मिलके क्या कर रहे थे? वी हैव टू स्टडी अबाउट द वेव। तो वेव के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें निकाली थी, जनरल इक्वेशन भी निकाल ली थी, सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी। अब जो हमें करना है, हमने उसमें एक न्यूमेरिकल भी किया था लास्ट में। तो मैंने आपसे बोला भी था कि जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे देन वी हैव टू स्टार्ट अबाउट द वेव, ठीक है? तो अब हमें थोड़ा सा और एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देन वी हैव टू स्टार्ट अनदर फॉर्मूले, ठीक है? कुछ और फॉर्मूले हम इसमें आगे की बात करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए क्या है, ठीक है? देखिए कुछ न्यूमेरिकल है मेरे पास, उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मेरे पास एक ये न्यूमेरिकल है, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज योर लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, ये दिया है द इक्वेशन ऑफ द, ये क्वेश्चन है आपके पास, द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज क्या है? तो वो है हमारे पास प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज y इज इक्वल टू 10 sin 2 pi t माइनस 0.05x, ठीक है? 0.05x, 0.05x, ठीक है? और क्या दे रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं वेयर वेयर एक्स वाई इन सेंटीमीटर, टी इन सेकेंड। तो टी किसमें है? सेकेंड। आपसे क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट कैलकुलेट एम्पलीट्यूड लैम्डा, एम्पलीट्यूड लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। और क्या बताना है? वेव की वेलोसिटी क्या होगी? तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, चलिए आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो कैसे करेंगे? देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, तो हम क्या लिखेंगे? वाई इज इक्वल टू ए 10 sin, इस 2 pi को अंदर ले जाते हैं, तो 2 pi t माइनस 2 pi इंटू 0.0505x, 0.005 इंटू 2 pi x। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू ए साइन, क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी माइनस के एक्स। डन? ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो हमारे पास क्या है? 10 cm, क्योंकि उसने बोला है कि ये एक्स और ये सब जो है वो किसमें? सेंटीमीटर में। तो ये तो डायमेंशन लेस होगा, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। नेक्स्ट आपसे लैम्डा पूछा है, तो ओमेगा पहले लिख लेते हैं। तो ओमेगा कितना है हमारे पास? 2 pi, और के कितना है हमारे पास? 0.005 इंटू 2 pi, ठीक है? ये है हमारे पास। तो हमसे कहा गया है पहले फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा 2 pi f, यही होती है हमारे पास 2 pi f। तो ये कितना होता है? ये 2 pi दिया हुआ है, तो 2 pi f। तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1 hertz। अब क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी निकल आई, अब कह रहा है हमसे लैम्डा बताओ और वेलोसिटी ऑफ द वेव बताओ। तो पहले वेलोसिटी निकालें, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है? वी होता है ओमेगा बाई के। तो बताओ ओमेगा कितना है? 2 pi, के कितना है? 0.005 इंटू 2 pi। तो ये कट गया इससे, तो बताओ कितना आएगा? 1000/this, यानी 200 cm/s, यानी 2 m/s। डन? अच्छा अब क्या पूछा है? लैम्डा। तो लैम्डा को क्या लिखेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू होगा वी अपॉन फ्रीक्वेंसी, सही? तो वी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो वी कितना है? 2, और ये कितना है? 1। तो कितना आ गया? 2 m। कितना आ गया? 2 m। किस डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
बताओ यहाँ तक बात समझ में आया या नहीं आई, ये बताइए पहले आप, फिर इसमें हमें और आगे चीज़ों को समझना है, ठीक है। फेज के बारे में समझना है, चेंज इन फेज समझना है, सेम फेज क्या होगा, अपोजिट फेज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। पहले इसको बना लीजिए आप लोग, फिर आगे बात करते हैं। चलें, चलिए देखें। तो अभी हम लोगों ने मिटा दूं, ठीक। इसमें एक और न्यूमेरिकल आपको कराना चाहिए, एक मिनट रुको ज़रा। हाँ, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, राइट द इक्वेशन ऑफ, क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द इक्वेशन ऑफ, राइट द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव, वही प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव along positive x-axis, along positive x-axis, whose amplitude a is equal to, आपको दिया गया है 5 centimeter, frequency दी गई है आपको 250 hertz, और क्या है हमारे पास, तो v हमें दिया गया है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी हमें क्या लिखनी है बोलो, इक्वेशन लिखना है, ठीक है। आइए, तो अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें, तो इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, ये हम लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये चीज़ है, देन हाउ वी कैन सॉल्व दिस, तो आप बोलेंगे हमें ओमेगा चाहिए और के चाहिए, बस ए तो हमें दिया ही हुआ है, ए दिया हुआ है, हाँ 5 centimeter दिया हुआ है, बस हमें ये निकालना है। तो ओमेगा क्या होगा जल्दी बताओ, तो ओमेगा के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है 2π × f, तो 2π × 250, तो कितना आ गया बताओ 500π, ओके। के क्या होता है, के होता है 2π बाई लैम्डा, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, वरना हमें लैम्डा निकालना पड़ जाएगा, हम इसका ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के, तो हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी, तो बताओ ओमेगा कितना है मेरे पास, हाउ मच इज द ओमेगा, तो ओमेगा जो है वो है मेरे पास 500π, और v कितना है मेरे पास 500, तो कितना आ गया बताओ मेरे पास पाई। चलिए अब इक्वेशन लिख सकते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज व्हाट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर में आएगा अभी, साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है हमारे पास 500π t, ठीक है, माइनस पाई एक्स, बस आ गया हमारे पास आंसर, ये हमारे पास आंसर है, बनाओ इसको जल्दी से। डन, ठीक। देखिए एक और इक्वेशन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा,
इसमें कह रहा है फॉर द प्लेन वेव, फॉर द प्लेन वेव वाई इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 0.20x कॉस 800t माइनस 0.82x प्लस पाई बाय 2। अब देखिए इसने कुछ बातें आपसे पूछी, राइट डाउन, अब एक एक करके हम लोग करेंगे राइट डाउन। देखिए क्या क्या राइट करवा रहा है। पहला पार्ट तुमसे पूछा है उसने जर्नल एक्सप्रेशन फॉर फाइव, फेस के लिए जर्नल इक्वेशन बोलो। तो देखिए फेस के लिए जर्नल इक्वेशन कुछ नहीं है, ये जो चीज़ होती है हमारी यही हमारा फाइव होता है। तो क्या लिख देंगे, तो देयरफॉर फाइव इज इक्वल टू 800t माइनस 0.82x प्लस पाई बाय 2। दूसरा क्या पूछा है तुमसे, फेज एक्ट को दूसरा पार्ट पूछ रहा है तुमसे, फाइव एक्ट एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, ये बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना, जर्नल लिखा हुआ है ना यहीं पुट कर दो। तो देयरफॉर फाइव इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 800 इंटू 0 माइनस 0.82 इंटू 0 प्लस पाई बाय 2, तो यानी फाइव कितना आ गया हमारे पास बताओ, पाई बाय 2, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, थर्ड चीज़ उसने पूछी है, देखिए थर्ड चीज़ हमसे पूछा जा रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स सेपरेटेड बाई 20 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी हमसे फेज डिफरेंस पूछा गया है। कितना पूछा गया है, फेज डिफरेंस विच आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। तो इसको देखो हम कैसे समझेंगे, समझते हैं चलो देखो। तो फेज डिफरेंस अभी इसको बताना भी था मुझे, चलो इसको पहले यहां समझ लेते हैं। कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, बिटवीन टू पॉइंट्स ठीक है, सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, समझते हैं। तो देखो अगर हम फेज डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले देखो तो हम बोलेंगे पहले कि फाइ वन एक्स पे हम मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 100t माइनस 0.082x प्लस पाई बाय 2। फिर आप जो फाइ टू मानेंगे वो आप मानेंगे 800t माइनस 0.82 इंटू एक्स प्लस 20 प्लस पाई बाय 2। तो अब आप निकालेंगे फाइ टू माइनस फाइ वन, दैट इज कॉल्ड डेल्टा फाइव। तो देखो ये इससे वैनिश हो जाएगा, ये इससे वैनिश हो जाएगा। अब बताओ मुझे कि अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, ऑब्वियसली हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, क्या आएगा निकल के, तो इसमें से अगर इसको मैं घटा दूंगा तो मुझे मिलेगा इसमें 0.82 इंटू 20 और ये मेरा सेंटीमीटर में, तो बाई 100 कर दूंगा। अब जो भी आएगा वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, इसने पूछा है द एम्पलीट्यूड एट एक्स इज इक्वल टू 100 meter, यानी हमसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड बताइए एट एक्स इज इक्वल टू 100 meter। तो एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या करेंगे, तो एम्पलीट्यूड में हम क्या करेंगे, इन्होंने एक मिनट,
ठीक है, तो इन्होंने वही बोला है कि कहां पे होगा। तो अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड तो ये है ना हमारे पास, ठीक है, ये तो इसमें कह रहा है ये एम्पलीट्यूड कितना होगा, यानी डी में कह रहा है एम्पलीट्यूड एट एक्स इज इक्वल टू 100 मीटर, एक्स इज इक्वल टू 100 मीटर, तो बस निकाल लो उसको। तो ए इज इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, ए जो है हमारे पास ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कितना है 2.5 × 10⁻⁶ x। तो बस अब ए निकाल लो कब, जब x इज इक्वल टू कितना होगा 100, तो आ जाएगा। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से, इसको जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसमें। चलिए हो गया, देखो चलिए देखें, अगर हम बात करें फाई क्या होता है हमारे पास, तो फाई होता है हमारे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, तो पहली चीज फाई चेंज विद टाइम। अगर फाई को हम ये देखें कि टाइम के साथ कैसे बदल रहा है तो उसकी बात करें, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी माइनस जीरो। क्या आ जाएगा, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी, यानी डेल फाई इज इक्वल टू 2π/T इंटू डेल्टा टी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिस इज द चेंज इन फेज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के साथ साथ वो कैसे चेंज करेगा। चलो समझते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टी को लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं डेल्टा फाई लिखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, ओके, तो देखो तो डेल्टा फाई क्या है हमारे पास, ये समझ लेते हैं पहले। तो डेल्टा फाई जो है वो है हमारे पास 2π/T इंटू डेल्टा टी। तो आपसे कहा जाए कि ये जीरो है, तो ये भी जीरो है, आपसे कहा जाए ये T/4 है। आप समझना, जब मैं इसको T/4 लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, π/2, कितना हो जाएगा बताओ, π/2। फिर मैं बोलूंगा कि नहीं ये T/2 है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, पाई आ जाएगा, नहीं T/2 रखो यहाँ पे, देखो 2π/T इंटू T/2, तो ये कट गया, ये से कट गया, तो ये पाई आ गया। अब मैं आपसे बोलूँ 3π/4, तो 3π/4 लिखें तो यह कितना आएगा, 3π/2, यानी 3π/2, यानी ये कितना आ रहा है 90 डिग्री, ये कितना आ रहा है 180 डिग्री, और ये कितना आ रहा है 270 डिग्री। अच्छा, अगर मैं t लिख दूँ तो कितना लिखोगे, 2π सिंपली, तो ये कितना आ रहा है 360 डिग्री। समझ रहे नहीं, तो इस तरह से फेज टाइम के साथ बदलना शुरू कर देगा, गॉट इट। चलिए अब अगर हम बोलें दूसरा, फाई चेंज विद पोजीशन, ठीक है, अगर फाई को हम पोजीशन के साथ चेंज करके देखें, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं कि डेल फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। तो हम क्या लिख पाएंगे, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू, यहीं से लिखा है हमने, ठीक है, इससे ये जीरो हो गया, ये अब मैग्नीट्यूड की बात की है, तो ये तो ये कितना आ जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सही, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो डेल्टा एक्स और यहाँ पे फाई, डेल्टा फाई यानी 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। देखो अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं है, सॉरी कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, तो सब क्या है, सेम फेज में चल रहे होंगे। तो अगर पाथ डिफरेंस जीरो है हमारा, इसको पाथ डिफरेंस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पाथ डिफरेंस, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये जीरो होगा, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, जीरो।
अब अगर बताओ मैं बोलूँ तुमसे कि लैम्डा बाई फोर पे बोलो, लैम्डा बाई फोर पे, तो लैम्डा बाई फोर की अगर हम बात करेंगे तो लैम्डा बाई फोर रखो यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा ये पाई बाई टू यानी 90 डिग्री। फिर वही थ्री लैम्डा बाई सॉरी लैम्डा बाई टू रखेंगे तो लैम्डा बाई टू ये तो ये आ जाएगा पाई यानी 180 डिग्री। फिर अगर हम बोलें आपसे थ्री लैम्डा बाई फोर तो वही आ जाएगा थ्री पाई बाई टू यानी 270 डिग्री। फिर तुमसे बोला जाए क्या बोला जाए लैम्डा, तो लैम्डा क्या आ जाएगा 2 पाई, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो इसके फेस को हम देख सकते हैं किस तरह से वेरी आउट हो रहा है। क्लियर है बात, बना उसको। डन। चलिए अब देखिए एक और चीज करना है हमें। चलो करें, देखिए अब हमें दो चीजें हमें देखना है, सेम फेज, सेम फेज। देखिए सेम फेज का मतलब ये होता है कि आपका पार्टिकल अपनी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, अपना पोजीशन, इन तीनों चीजों को रिपीट करे, ठीक है, और इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि वो सेम फेज में है। तो क्या मतलब है, पार्टिकल्स हैज सेम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, आर सेट टू बी इन सेम फेज। ये आपको बातें समझ में आना चाहिए। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अब कैसे पता करेंगे कि दीज आर इन सेम फेज और नॉट, ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा कि वो सेम फेज में है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो सेम फेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर यहां पे हम कुछ वेव इस तरह से बना लें, ये हमने एक वेव बना ली इसे, ऐसे करके वेव बना लिया, ये मान लेते हैं ए, ये पार्टिकल है हमारा बी, ये पार्टिकल है हमारा सी, डी, ये ई, फिर ये एफ, ये जी और ये एच, और ये एच मान लो, और ये हमारा हो गया आई, ये है हमारे पास, ठीक। तो उसने क्या बोला, सेम वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक, सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखो, अगर हम इसकी बात करें ए की, तो बताओ ए के जैसा कौन, तो आप बोलेंगे ए के जैसा ई है कि नहीं। देखो वेलोसिटी कितना, जीरो, एक्सेलरेशन कितना, जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, यानी हम ये कह सकते हैं के फेज जो होना चाहिए, यानी फेज क्या होना चाहिए उनके पास, तो उनके पास जो फेज होना चाहिए, यानी पहली चीज तो टाइम कितना होना चाहिए, तो टाइम होना चाहिए टी, टू टी, थ्री टी, फोर टी एंड सो, ये होना चाहिए कि नहीं। देखो टी हो गया, यहां पे टू टी हो गया, फिर थ्री टी हो गया, फिर फोर टी, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो हम अगर फेज की बात करें, फेज तो सेम फेज का क्या मतलब है, तो आप लिखेंगे टू पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। तो बताइए डेल्टा टी कितना होना चाहिए हमारे पास, तो डेल्टा टी जो होना चाहिए वो होना चाहिए टू पाई बाई टी इंटू एन टी, यही तो होगा, कोई भी डिफरेंस ले लीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कट गया हमारे पास, तो टू पाई एन, और एन क्या होगा हमारे पास, वन टू थ्री, ये यानी ऐसी वैल्यूज जो टू पाई की मल्टीपल होती है,
ठीक है, ये तो ये कहलाएंगे इन फेज। बात समझ में आया? ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? इन फेज। समझ में आ गई बात? आउट फेज, आउट ऑफ फेज क्या होते हैं? अपोजिट इन फेज। तो देखिए, सेम डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट डायरेक्शन। दूसरी चीज, सेम वेलोसिटी बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम एक्सेलरेशन बट अपोजिट डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सेम सेम चीजें होनी चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इनको कर लेते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये आएंगे कब? तो अपोजिट फेस की अगर हम बात करें तो ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है हमारा बी और ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास डी, इनके बारे में अगर आप देखें तो ये आपको समझ में आएंगे कि दीज आर इन अपोजिट फेज। तो अगर अपोजिट फेज की बात कर रहे हैं तो ये कहां पर है बताओ? तो ये है हमारे पास टी बाई फोर पर, और ये कितना है? थ्री टी बाई फोर पर। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना मिलेगा? टी बाई टू। कितना मिलेगा बताओ? टी बाई टू। और अगर हम यहां पर बात करें ये, तो ये और ये भी है, तो ये कितना मिलेगा बताओ? तो ये है टी बाई टू और ये भी कितना है? ये भी कितना हो गया हमारे पास? टी बाई टू, बट इट इज सेम फेज। इसकी अगर हम बात करें तो यहां से अगर हम देख रहे हैं तो ये आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? टी थ्री टी बाई टू। यानी एक तरह से ऑड मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल, यानी टी जो है वो ऑड मल्टीपल होना चाहिए टू एन प्लस वन बाई टू इन टू टी, वेयर एन इज इक्वल टू जीरो वन टू एंड सो ऑन। ठीक है, ये होना चाहिए हमारे पास। अगर ये है हमारे पास तो हमारे पास क्या आएगा? डेल फाई। तो फेस चेंज कितना आएगा? देखो, फेस चेंज में हमें कितना मिलेगा? अगर हम वन लिख दें तो कितना आ जाएगा? जीरो डाल दो इसमें। अच्छा, डेल फाई बाई, सॉरी, क्या होता है? टू पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। तो बताओ कितना आएगा? तो अगर हम इसके अंदर वन डाल दें तो ये थ्री पाई बाई, जीरो डाल दें तो टू पाई बाई टू हो जाएगा। तो ये मिलेगा, यानी इनको छोड़कर, इसका मतलब ऑड मल्टीप्लाई आएगा, पाई थ्री पाई फाइव पाई सेवन पाई एंड सो ऑन। तो दिस इज योर फेज डिफरेंस, यानी ये अपोजिट के लिए आएंगे। ठीक है, बनाओ इसको। करिए जल्दी से इसको आप लोग। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। चलिए, अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल का एक्सेलरेशन हम कैसे निकालें। चलिए आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम देखते हैं, तो इसको हम लोग vp बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? vp। तो y इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? a साइन ओमेगा t माइनस के। ये होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसका है? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, ये जो y है, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। लेकिन एक प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, y क्या डिफाइन किया गया एज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा t। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो x है वो कांस्टेंट होगा और t जो है वो हमारा वेरिएबल मान के चलेंगे। ठीक है, ओके। तो हम इसमें क्या करें? डिफरेंशिएट पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे? t।
तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसको, तो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा बताओ, तो वीपी इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू, तो ये तो बाहर आ जाएगा, डेल वाई ओवर डेल टी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए करते हैं, आइए। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ, ए ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसके अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, अगर हम इसके अंदर मूव करें तो क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर हम मूव करें तो हमें मिलेगा ओमेगा, क्या मिलेगा बताओ, ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है तो ये जीरो मान देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास बताओ, तो वी पी इज इक्वल टू हमें मिल गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया हमारे पास, समझ गए नहीं बात को, तो ये हमें मिल गया। अच्छा, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इसमें एक और बात समझते हैं, देखो अगर मैं वी पी को, वाई क्या था मेरे पास, जरा बोलो वाई क्या था, वाई था मेरे पास ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जरा ध्यान से देखना, तो क्या मैं वी पी को लिख सकता हूँ, वी पी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ए ओमेगा अंडर रूट, ए ओमेगा अंडर रूट ए ओमेगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, बोलो ये गलत है या सही है, सही है। अब बताओ साइन ओमेगा टी क्या है, y बाई ए, क्या है जल्दी बोलो, y बाई ए, तो क्या लिख सकता हूँ a ओमेगा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा वी पी इज इक्वल टू ए बाहर ले लो तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये बताओ v मैक्सिमम कब होगा, v मैक्सिमम होगा आपके पास a ओमेगा प्लस माइनस में जब y क्या रहेगा जीरो, इसका मतलब जब वो अपनी मीन पोजीशन पे होगा क्रॉस कर रहा होगा तब ऐसा होगा। अच्छा, एक बात ये समझ में आ गया। अब देखो दूसरा एक और चीज समझना इसी में, तो तुमने क्या लिखा अभी vp, तो vp तुमने लिखा है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा और समझते हैं, देखो ठीक है इसको इत्मीनान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स लगाए, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि मेरा ये जो फंक्शन है वो एक्स और टी में डिफाइन हुआ है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर निकालना है तो जाहिर सी बात है मुझे इस वाले कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं और आप डिफरेंशिएट एक वेरिएबल के साथ कर रहे होते हैं, बाकी सारे वेरिएबल अगर आप कांस्टेंट मानते हैं, तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी सब अपने आप को कांस्टेंट मानेंगे, सिर्फ वही वेरिएबल लेगा जो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ था, ये आ गया हमारे पास, गॉट इट, ओके आगे बढ़ते हैं, आइए। तो ये बात क्लियर हो गई तुम्हें। अब देखो अगर हम इसकी बात करें कि ये हमारे पास है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू क्या था, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अगर तुमसे कोई बोले कि डेल y ओवर डेल x निकाल दो, क्या निकालो, डेल y ओवर डेल x, तो अगर हम डेल y ओवर डेल x निकालेंगे तो क्या आएगा, a आएगा पहली चीज, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स इनटू, अब इसका करेंगे तो जीरो हो गया, इसका करेंगे तो माइनस के मिलेगा, तो बताओ क्या आ गया, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू, नाउ डिवाइड इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा वी पी अपॉन डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, ए से ए क्या हो गया कैंसिल, कॉस ओमेगा टी कैंसिल, तो क्या मिला,
माइनस ओमेगा बाई के, माइनस ओमेगा बाई के। और तुम जानते हो कि ओमेगा बाई के जो है वो क्या है, माइनस ये है आपका वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या है ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, तो हम लिख सकते हैं इसको vp इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू इंटू स्लोप ऑफ y वर्सेस x, स्लोप ऑफ y वर्सेस x। ठीक है, तो ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखो नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है वो अभी समझाते हैं तुम्हें, पहले ये समझो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो तो हम ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को, कि हमारा जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है उसको ये कहा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैन बी राइट एज माइनस वी इंटू डेल वाई ओवर डेल एक्स। ठीक, ओके, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने एक चीज को पता किया था कि हमने ये चीज फाइंड आउट की थी कि डेल वी बाई, उस तरह से जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वेव, कि वेव मोशन में है या नहीं उससे हम पता कर रहे थे, तो इससे क्यों नहीं पता कर रहे। देखो एक बात ध्यान रखना, कोई भी पार्टिकल हो ठीक है, वो ये डिसाइड नहीं कर सकता एक वेलोसिटी को देखकर कि वो परमानेंटली जीरो होने वाला है, यानी वो हमेशा के लिए रुकने वाली वैल्यू है या चलने वाली वैल्यू है। देखो अगर आपने ऐसा कंफ्यूजन पाल रखा है, ठीक है, अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो इसको दूर कर लीजिएगा। कोई भी चीज टेम्पररली मोशन में है या वो परमानेंटली मोशन में है या परमानेंटली रेस्ट पर है, ये हम डिसाइड करते हैं उसके एक्सेलरेशन से। तो कुछ जैसे हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फेंकें तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, हमेशा रहता है लेकिन वेलोसिटी जीरो होती है, तो वो इंस्टेंटली रेस्ट पे आता है। ठीक है ना, ये आपको काइनेमेटिक्स से समझ में आना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़े इसमें, तो ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है नेगेटिव साइन का, वो और समझते हैं। तो अगर हम नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस समझें तो वो क्या होगा, देखो मैंने ये कहा कि मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ वेव, ये वेव की ये वेव फॉर्म है मेरे पास, ऐसे ये वेव फॉर्म हो गई। अगर ये वेव फॉर्म है मेरे पास और ये मान लीजिए मेरा एक्स है और ये मान लीजिए मेरा वाई है, मैं तुमसे बोलूं कि बताओ यहां पे जो पार्टिकल है, यहां पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बोलो किधर है, उसकी वेलोसिटी बताइए किधर है। तो आप ये बोलेंगे कि अगर हम इसका स्लोप निकाल लें, ये देखिए अगर हम इसका स्लोप निकालें तो आप बोलेंगे डेल वाई ओवर डेल एक्स क्या है, निगेटिव। अगर डेल वाई ओवर डेल एक्स निगेटिव है तो हम ये बोलेंगे कि हमारी जो वी पी है वो कैसी है, ये निगेटिव हो गया, ये ऑलरेडी निगेटिव था, तो यहां पे जो पार्टिकल की वी पी है वो कैसी है, ग्रेटर देन जीरो, तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। आई बात समझ में अब नहीं? अच्छा, अगर तुमसे कोई ये पूछे कि चलो ठीक है भैया ये तो तुमने बता दिया, अब जरा यहां पे बता दो इस वाले पार्टिकल के लिए, बोलो इसके लिए बताओ क्या हो रहा होगा। तो आप ये बोलेंगे कि इसका स्लोप अगर हम निकालें इससे, ये देखिए ये स्लोप ही तो निकल रहा है, तो स्लोप की अगर हम बात करें तो एक्यूट एंगल है, तो ये क्या हो गया डेल वाई ओवर डेल एक्स जो है वो हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, तो ये वाला जो पार्टिकल है इसका वी पी क्या हो जाएगा, जीरो यानी निगेटिव, तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ चल रहा होगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द निगेटिव साइन, समझ गए, तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम इसमें निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर आप यहां पे वेलोसिटी पता करना चाहें यहां पर, तो यहां पर अगर पता करना चाहेंगे तो जीरो आ जाएगी, ठीक है ना, एक्सट्रीम पे जाके तो रुक ही जाएगा ना, दिस इज योर एक्सट्रीम। तो यहां पे सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये देखो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं।
तो ये सारे पार्टिकल क्या जा रहे हैं हमारे पास, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पे सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखो, क्योंकि जब ये वेव ऊपर जाएगी, तो जब ये ऐसे चलेगी, ऐसे नीचे जा रही, तो ये सारे पार्टिकल क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, तभी तो यहाँ पे क्रस्ट और यहाँ पे ट्रॉफ बनेगा। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, बना लो उसको जल्दी से। ठीक, तो ये हमें थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर कट समझ में आना चाहिए। अगर डाउट हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाना चाहिए चीज़ें कि हमारे पास क्या है। चलिए, हो गया, ओके। तो ये बात समझ में आ गया, तो ये है। अच्छा, ये थोड़ा सा डायरेक्शन उल्टा बन गया, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव, तो ये सब नीचे जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, नीचे। और अगर ये नीचे जा रहे हैं तो ये वाले कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर। ठीक है, ये सब कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें निकालना है, वो हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। चलिए उसको निकालते हैं। देखिए, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखो, यानी इसको हम बोलते हैं ए पी। तो ए पी एक्चुअल में क्या होगा, ए पी हमारे पास होगा डी वी पी बाई dt, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल ओवर डेल t, क्योंकि v इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड t, तो डेल वी पी, तो लिख सकते हैं डेल ओवर डेल t ऑफ क्या, डेल y बाई डेल t। सही है ये बात, बिल्कुल सही। तो चलो निकालो सर, तो ए पी इज इक्वल टू डेल ओवर डेल टी ऑफ क्या था, ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही निकाला था हमने, डेल वाई बाई डेल टी। ठीक है, तो ज़रा निकालो अब क्या आएगा, तो ए ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इन टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस ज़ीरो, तो ये हमें मिल रहा है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, ये हमारे पास आ गया ए पी। अब ज़रा और समझना ज़रा ध्यान से, तो हम बोलेंगे ए पी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सही, ये आ गया। अब हम एक बात जान रहे हैं, अभी तो हमने लिखा कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। अगर ये है मेरे पास, तो मैं बोल सकता हूं कि ए पी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा स्क्वायर वाई। तो बताओ ए मैक्सिमम कब होगा, तो ए पी मैक्सिमम कब होता है बताओ, तो ये कैसा है, प्रोपोर्शनेट टू वाई, यानी ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तो AP is proportionate to minus of y। तो क्या हुआ, कुछ समझ में आया, it perform the SHM, perform कर गया। तो पार्टिकल तुम्हारे क्या कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं, तो ये SHM आ गया। अगर ये SHM आ गया, तो A maximum क्या होगा, तो A maximum होगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर A, कितना होगा बताओ, ओमेगा स्क्वायर A, वो हम देख लेंगे माइनस प्लस कैसे आ रहे हैं। गॉट इट, SHM परफॉर्म हो गया कि नहीं, तो पार्टिकल परफॉर्म SHM, पार्टिकल क्या कर रहा है बताओ, SHM परफॉर्म कर रहा है।
अगर ये हमारे पास SHM परफॉर्म कर रहा है देन वॉट वी हैव टू डू, अब हम क्या कर सकते हैं? तो देखो हम एक चीज़ उसमें कर सकते हैं कि चलो ठीक है ये चीज़ है अगर हमारे पास, तो अब हम थोड़ा सा और बात कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा अभी हमारे पास, तो ये बताओ डेल वाई ओवर डेल एक्स हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, तो क्या आया था? डेल वाई ओवर डेल एक्स, डेल वाई ओवर डेल एक्स क्या था? तो ये था हमारे पास, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स क्या था? माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, बोलो था कि नहीं? यस था। अगर था तो ये बताओ हमें कि ठीक है ये चीज़ है हमारे पास, तो हम इसमें एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें, ये देखो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ए के साइन, वो भी कैसा, इंटू माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस ऑफ के, सही है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, ठीक है? बताओ इसको, ये समझ में आया कि नहीं, बनाओ इसको जल्दी से पहले, फिर इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी तुम्हें याद आना चाहिए, वैसे प्रूफ इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों के लिए कि आपको प्रूफ आना चाहिए, प्रूफ इज़ नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें तुम्हें समझ में थोड़ा सा आना चाहिए ज़रूर, ठीक है, कि कैसे कैसे हमारे इक्वेशंस ड्राइव हो रही हैं। चलो करें आगे, आइए देखें। तो अगर मैं, चलिए, तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं, क्या बोल दूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड दे दो, इक्वेशन वन को अगर हम इक्वेशन टू से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? तो देखो अगर हम इसको ऐसा कर रहे हैं तो हमें मिलेगा ए पी अप ओवर डेल वाई स्क्वायर बाई डेल एक्स का डबल डेरिवेटिव, दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा? तो ये हमें मिल जाएगा, हाँ ये वाला नहीं, कौन सा लेना है, दिस। तो क्या आ रहा है देखो, ए से ए ख़त्म हो जाएगा, ठीक, साइन से साइन चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, यानी ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास आ रहा है ए पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल वाई स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो, ये हमें समझ में आना चाहिए। देखो और क्या करना है इसके साथ, समझना, देखिए ये बात क्लियर हो गई, अगर ये बात हमारे पास क्लियर है तो हम ये कह सकते हैं कि इसको क्या बोला जा सकता है। देखो ये क्या है, ये डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल वाई ओवर डेल एक्स ही तो है, तो इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर ऑफ कर्वेचर, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको पढ़ते हैं इस तरह से, कर्वेचर ऑफ कर्वेचर, यानी ये कर्वेचर था इसका तुमने और कर्वेचर कर लिया, ठीक, या इसको हम बोलते हैं और स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स, ये यानी इसका जो स्लोप निकाला फिर उसका और स्लोप निकालो, या इसको हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, तो उसको हम अब लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू स्लोप ऑफ डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है? तो ये थोड़ा सा और याद रख लेना,
बनाइए जल्दी से इसको। फिर आगे हम इसमें और कहानियों को डील करना है क्योंकि थोड़ा सा आगे पढ़ना है हम लोगों को। बनाओ इसको जल्दी से, फिर आगे हम लोग इसमें समझते हैं चीज़ों को। चलिए कुछ थोड़े न्यूमेरिकल बनवा लें आपसे। चलिए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं ये देखिए। ठीक है देखो, डन। ओके न्यूमेरिकल करते हैं, ये देखिए। देखिए एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, कह रहा है y इज इक्वल टू 0.2 साइन 2 पाई t अपॉन 12 माइनस x अपॉन 5। फाइंड द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ सेम पार्टिकल विच हैज फेज डिफरेंस इज 60 डिग्री। बताइए कैसे निकालेंगे आप इसको। क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू 0.2 साइन 2 पाई t अपॉन 12 माइनस x अपॉन 5। फाइंड द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ सेम पार्टिकल विच हैज फेज डिफरेंस ऑफ दिस। सेम पार्टिकल है और फेज डिफरेंस हमें पता करना है, कैसे करेंगे बताओ। तो हम लोग ये बोलेंगे कि हमें एक चीज़ आता है कि टाइम पे डिफरेंस चाहिए ना, सेम फेज पर है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसको कर रहे हैं तो बताओ डेल फाई कितना दिया है हमें, 60 डिग्री। अब इसमें अच्छा पहले टाइम वाइम तो निकालना ही पड़ेगा, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, ओमेगा हम कितना लिख सकते हैं, 2π/12। ठीक है 2π/12, तो 2π/12 तो ये कितना होता है 2π/t, तो t यहाँ से आ रहा है 12 सेकेंड। कितना आ गया बताओ, 12 सेकेंड, यही हमें चाहिए था। चलिए ठीक है, कहानी खत्म। ओके अच्छा अब ये बताओ फाई जो है डेल्टा फाई वो कितना है हमारे पास, तो वो है हमारे पास 60 डिग्री। अब देखो इसे डिग्री में नहीं रखना होता है, दीज आर इन रेडियन, तो हमें किस में रखना पड़ेगा, रेडियन। तो कितना आ जाएगा बताओ, पाई बाई 3 रेडियन, बस इतना करना है, लगा दो वैल्यू। तो कितना आ जाएगा बताओ, तो हमें मिलेगा कितना मिलेगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 टू पाई बाई 12 इंटू डेल्टा टी। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 6 हो गया और ये 2, तो डेल्टा टी हमें मिल गया 2 सेकेंड में। कितने में आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 2 सेकेंड। चलो बनाओ उसको जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। अच्छा यही क्वेश्चन है, इसमें बस एक सवाल चेंज किया उन्होंने, बोल रहा है दिस व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। अच्छा यही है हमारे पास क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं बदल दे रहा हूँ, यहीं पे चेंज करना है उसे। देखो ये क्वेश्चन यही है हमारे पास, कह रहा है हमसे व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट एट सेम टाइम। ये क्वेश्चन है हमारे पास,
निकालिए। ठीक है, करिए। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सब कुछ हम सेंटीमीटर में मानेंगे। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए? तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, सेम टाइम है तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू डेल्टा एक्स। तो क्या लिख देंगे, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा लेमडा, तो ठीक है, के को निकाल लेते हैं। तो के कितना हमारा 2 पाई बाई, तो के कितना है हमारे पास बताओ, 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5, दिस इज के। तो यहाँ पे के की पूरी वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, तो देयरफॉर डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई 5 इंटू 2.5। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/10 कितना आ जाएगा, 0.5, तो हम कितना लिख देंगे, पाई रेडियन। कितना आ रहा है बताओ हमारे पास, पाई रेडियन। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पर रोक लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आपके अलग अलग जो मीडियम्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग है या एयर कॉलम है या आपका एयर है, तो उसमें मीडियम की जो मीडियम अगर बदल रहे हैं तो व्हाट इफेक्ट ऑन योर स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग न्यूटन का देखेंगे, न्यूटन ने क्या बताया था आपके एयर में ट्रेवल करने के लिए, फिर उसमें लैपलास ने कैसे करेक्शन दिया था। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे कि अगर मेरे पास ये कोई मान लीजिए स्ट्रिंग है, मैंने ऐसे इसको यहाँ पे बांध दिया और यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे मैंने एक वेट को ऐसे लटका दिया और फिर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर बताओ क्या हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी वगैरह है। आपने देखा होगा सोनोमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं, या आपने देखा होगा गिटार, गिटार की आप बात करें तो उसमें देखा होगा जो आपका म्यूजिशियन होता है वो गिटार में एक नॉब होती है उसको कस देता है, कसने से वो क्या करता है उसकी फ्रीक्वेंसी टेंशन बदल देता है, यहाँ पे क्या चेंज कर देगा, टेंशन। अगर यह टेंशन बदल रही है तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, सॉरी स्पीड बदल जाएगी। तो स्पीड एक्चुअल में होती क्या है, तो वो होती है टी अपॉन म्यू अंडर रूट, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू जो होता है वो होता है स्ट्रिंग के अंदर मास पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ओके आई विल स्टॉप हियर, तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।